हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। ठीक है, अगर सपोज आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उस केस में एचसीएफ एलसीएम की रिलेशन होती है। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर्स हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, मीन्स दोनों नंबर के बीच की जो एलसीएम होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये रिलेशन होती है जब हमारे पास दो नंबर्स हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास तीन नंबर गिवन है, सपोज नंबर्स आर पी क्यू और आर। ठीक है, उस केस में देखिए क्या रिलेशन हो जाएगा, एलसीएम ऑफ तीन नंबर्स हैं तो मान लीजिए तीन नंबर्स है P, Q एंड R, तो इस केस में आपको हो जाएगा P इंटू Q इंटू R, मीन्स तीनों नंबर के प्रोडक्ट इंटू HCF ऑफ P, Q एंड R डिवाइडेड बाय HCF ऑफ दो दो करके नंबर्स के पेयर लेना। ठीक है, HCF ऑफ जैसे पहला में ले लेंगे पी क्यू इंटू HCF ऑफ क्यू कॉमा आर एंड इंटू HCF ऑफ पी एंड आर। ठीक है, ये रिलेशन हो जाता है। सिमिलरली अगर हमें HCF कैलकुलेट करना है तो HCF आपका हो जाएगा HCF ऑफ P, Q एंड R, इट विल बी P इंटू Q इंटू R, मतलब कि तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट इंटू LCM ऑफ तीनों नंबर्स P, Q एंड R, मीन तीनों नंबर के LCM डिवाइडेड बाय LCM ऑफ P, Q इंटू LCM ऑफ Q इंटू R इंटू LCM ऑफ सॉरी दिस इज Q एंड R, LCM ऑफ Q एंड R एंड इंटू LCM ऑफ P एंड R। ठीक है, तो इन रिलेशन को यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो क्या इसमें बोला जा रहा है HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है 11 और LCM दी हुई है 693। ठीक है, एक नंबर हमें दिया हुआ है कि 77 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या हम जानते हैं ऑलरेडी रिलेशन क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर विल बी इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक है, वन नंबर बोल सकते हैं, वन नंबर, और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए HCF है, LCM आपका है 693 और HCF है 11 डिवाइडेड बाय एक नंबर आपको दी हुई है 77। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 99। ठीक है, तो सेकेंड नंबर हमारा हो गया 99। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, सम एंड डिफरेंस ऑफ LCM और HCF दी हुई है। ठीक है, और सम की वैल्यू है 592 और डिफरेंस है 580। तो हमें क्या करने हैं, सम ऑफ द नंबर्स, अच्छा नंबर्स के बीच सम दिए हुए हैं तो हमें नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले जो गिवन है, सपोज हमारा L डिनोट करता है LCM को और H डिनोट करता है HCF को, तो इस केस में हमें क्या दिया हुआ है, एल प्लस एच एलसीएम प्लस एचसीएफ दी हुई है 592।
ठीक है, ये गिवन है, सपोज ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। दूसरा हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम माइनस एचसीएफ ये गिवन है आपको 518, ये हमारा हो गया सेकेंड रिलेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, वन और टू को, एडिंग वन एंड टू, ठीक है, एडिंग वन एंड टू, तो एच एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2L इक्वल टू, ये दोनों ऐड कीजिए आप, 592 एंड 518, तो ये आपको हो जाएगा 1110। तो यहां से हमें एलसीएम की वैल्यू मिल जाएगी 1110 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गई 555, ठीक है। चलिए एलसीएम पता चल गया, तो इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो एचसीएफ मिल जाएगी। चलिए इक्वेशन 1 से हम फाइंड कर लेते हैं, देयरफॉर एचसीएफ आपको हो जाएगी 592 माइनस एलसीएम और एलसीएम 555, ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे 37। अब देखिए हमें एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता है, ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द नंबर्स, और वो है 296। चलिए तो सम ऑफ द नंबर्स 296 दिया हुआ है, तो अगर एक नंबर हमारा लेट, वन नंबर बी एक्स, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 296 माइनस एक्स, अदर नंबर इक्वल टू 296 माइनस एक्स। अब देखिए हम प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर, वही रिलेशन यूज करेंगे यहां भी, देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएंगे आपको x इंटू 296 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 37 इंटू 555, ठीक है। चलिए तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 296 एक्स प्लस 20535 इक्वल टू 0, ठीक है, और इसे फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे, x माइनस 185 इंटू एक्स माइनस 111 इक्वल टू 0, तो यहां से x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 185 और x इक्वल टू 111। तो देखिए अगर आप x लेते हैं 185 तो अदर नंबर हो जाएगा 296 माइनस x, तो वो 111 ही आएगा आपका, तो हमें दो नंबर्स मिल गए, देयरफॉर नंबर्स आर 185 एंड 111। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम और उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।